Welcome to the today's lecture. Yesterday we discussed about the LCR circuit, series LCR circuit. We obtained the expression for the impedance of series LCR circuit. Then we obtained the expression for its phase angle. Now today we will discuss electric resonance. Then we will derive the expression for the resonant frequency of a series resonant circuit. And then we will discuss sharpness of resonance, and we will also discuss the quality factor in the today's lecture. Now, before going to this electric resonance, one should first know what is a resonance. Electric resonance पढ़ने से पहले हम लोग क्या करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए ये resonance क्या होता है. What do you mean by resonance? देखो, resonance में कैसे explain करूँगा. आप इधर आओ, you come here, the girl come here. आज इधर आओ, किताबें लेके आओ. शाबाश. उधर बैठो, वहां पर उस पे बैठो. या आपको नजर आना चाहिए. इधर आओ. बैठो इधर. शाबाश. देखो, अच्छा ऊपर उठो. देखो, ये मेरी बेटी है. किताबें खुलाओ. She is studying. बहुत पढ़ रही है. दिन भर पढ़ रही है. इसने इतना पढ़ा कि एक टाइम आया है, थक गई. जब ये पढ़ रही है मेरी बेटी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्स है. अब ये पढ़ते पढ़ते इसको ख्याल आया कि मैं अब उठूं, मैं अब बाहर जाऊं, थोड़ा घूमूं मैं. लेकिन उठ नहीं रही है अभी. ये पढ़ रही है, इतना पढ़ के थकी कि जब ये पढ़ रही थी, इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने क्या ले ली, एक्स. इसकी फ्रीक्वेंसी क्या ले ली मैंने, एक्स. जब ये बच्ची मेरी पढ़ते पढ़ते थक गई, इसको दिमाग में ख्याल आया कि मैं बाहर जाऊंगी, मैं किताबें बंद करूंगी, आई विल गो आउट टू टेक सम रेस्ट. सपोज वो थॉट इसका है, जब ये बोल रही कि मैं किताबें बंद करूंगी, मैं बाहर जाऊंगी, जो उसका वो थॉट है, उसकी फ्रीक्वेंसी में रखूंगा वाई. उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखूंगा मैं, वाई. इसके पास पहले ये पढ़ रही थी, इसकी फ्रीक्वेंसी थी एक्स. अब इसको दिमाग में ख्याल आया कि मैं बाहर जाऊंगी, मैं पढ़ने के लिए क्या जाऊंगी, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी, मैं क्या जाऊंगी, बाहर. उस थॉट, जिस थॉट से ये बोल रही है कि मैं जाऊंगी बाहर, उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या करूंगा, उसको क्या रखूंगा, वाई. जब ये सोचती रही, अचानक इसका पापा आ गया इधर से. इसको पापा ने बोला किताबें बंद करो, बाहर जाओ. ठीक है ना, इसका मतलब है वो पापा की फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपस में मैच हो गई. ये तो खुद सोच रही थी कि मैं बाहर जाऊंगी. जब इसका पापा वहां से अंदर आया, उसने भी इसको बोला बेटा किताबें बंद करो, जाओ बाहर जाओ. जब इसको खुद भी इसका ख्याल था मैं बाहर जाऊंगी, उस ख्याल की फ्रीक्वेंसी मैंने वाई रखी. अब इसका बाप भी अंदर आया क्लास में, वो भी इसको बोल रहा है आप बाहर जाओ. ये दौड़ के बाहर जाएगी ना. इसका मतलब है जब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसके पापा की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हो गई, तो ये बच्ची मेरी जो है ये फूले ना समाई. ही शी बिकेम वेरी मच हैप्पी और इसने दौड़ दौड़ के ये बाहर चली गई. ठीक है ना, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस. आपको बात समझ आई. ये पढ़ रही थी, इसको ये इतनी थक गई कि इसको अचानक ख्याल आया कि आई विल गो आउट. लेकिन जा नहीं रही. इसका जो थॉट, जिस थॉट में ये बोल रही है कि मैं बाहर जाऊंगी, इसी वक्त इसकी माँ या उसका बाप बाहर से आया और इसको बोला कि बेटा बंद करो किताबें, जाओ अभी बाहर खेलने. एक तो ये खुद सोच रही थी, दूसरा इसकी माँ ने, इसके बाप ने इसको बोला आप बाहर जाओ. ये तो छलांगे उठा के, इसने तो छलांगे मारी, बाहर चली गई. ठीक है ना, दिस इज आई विल एक्सप्लेन रेजोनेंस इन द सेम वे. एक बच्चा है, वो झूले पे है, मैं उस झूले को ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, वो झूला बच्चा जो है ही इज ऑसिलेटिंग, झूले पे वो ऑसिलेट कर रहा है. झूला होता ना, मैं इसको ऐसे धक्का मारूंगा बच्चे को पीछे से, बच्चा वहां तक जाएगा वापस आएगा, ऑसिलेट करेगा. ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता है क्योंकि इसको मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं. ठीक है ना, दिस एक्सटर्नल फोर्स इज अ पीरियडिक फोर्स.
बच्चा मेरे पास आ रहा, मैं फिर से धक्का दे रहा हूं, वो फिर जाता है उधर, फिर आता है वापस, मैं फिर से धक्का दे रहा हूं। एक वक्त आएगा जब झूले की फ्रीक्वेंसी, उसको हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब झूले की फ्रीक्वेंसी और इस एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करेगी, आपस में बराबर हो जाएगी, उस वक्त झूला जो है ना, उस वक्त झूला बहुत तेज दौड़ेगा, उस वक्त एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस झूला इट कोइंसाइड्स, it is it matches with the frequency of the external periodic force, at that time this jhula will start, it start oscillating at a faster rate, as a result amplitude of the oscillation increases. This condition is called as resonance. Resonance ki bahut sari examples hai, aapne shock waves dekha hoga, jab earthquake aata, earthquake hota na to shock waves aate hain, agar un shock waves ki frequency बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई तो बिल्डिंग में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जब अर्थक्वेक आ रहा है तो बिल्डिंग भी हिचकिचा रही है, बिल्डिंग भी हिचकिचा रही है। अगर शॉक वेव्स की फ्रीक्वेंसी और बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हो गई, आपस में बराबर हो गई, तो उस वक्त क्या करेगी, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में सबसे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, बिकॉज एट दैट स्टेज मैक्सिमम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम शॉक वेव्स टू द बिल्डिंग, ठीक है, और बिल्डिंग को सबसे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी, ये मैचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास एक एलसीआर सर्किट था, हमारे पास कल एक एलसीआर सर्किट था, इस एलसीआर सर्किट में था रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, यह था रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। इसको मैंने किया था ईएमएफ अप्लाई, तो इसमें करंट फ्लो हो रही थी, दैट करंट वाज गिवन बाय आई इज इक्वल टू ई बाय जेड, दैट करंट वाज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ई बाय जेड। मैंने कल एलसीआर सर्किट पढ़ाया आपको, एलसीआर सर्किट में मैंने लिया था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर, ठीक है ना, ये इंडक्टर है। नाउ इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था, दैट करंट वाज गिवन बाय आई इज इक्वल टू ई बाय जेड, ठीक है ना, ठीक है। नाउ ये आई था बराबर ई बाय जेड, एंड दैट वाज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय, शाबाश, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, यानी हमारा जो जेड था, दैट जेड वाज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। मैंने आपको कहा था इफ एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, जब एक्स एल किसके बराबर था, एक्स सी के बराबर, ये जो ये टर्म थी ये जीरो बन जाती, तो उस वक्त आपका जेड जो था वो निकला था अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हुआ था, तो आपका जेड निकला था आर, यानी मिनिमम। जब एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर बना था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को, उस वक्त जो आपका इंपीडेंस था एलसीआर सर्किट का, दैट इंपीडेंस वाज मिनिमम। एट दिस स्टेज जो इस एलसीआर सर्किट में करंट फ्लो हो रही थी, ये करंट क्या बन रही थी, मैक्सिमम। ये कंडीशन, दिस कंडीशन एट विच द इंपीडेंस ऑफ एन एलसीआर सर्किट बिकम्स मिनिमम, दिस कंडीशन at which the impedance of LCR circuit becomes minimum, so that maximum current flows through it, so that maximum current flows through it at a particular frequency of an applied EMF, at a particular frequency of an applied EMF, at which XL becomes equal to XC. That condition is called as electric resonance. The condition at which the impedance of LCR circuit becomes minimum, so that the maximum current flows through the LCR circuit at a particular frequency of applied EMF, at which inductive reactance becomes equal to capacitive reactance. That phenomena or that process is called as electric resonance. Wo process, wo phenomena, जिस फिनोमेना के जरिए, या वो कंडीशन जिस कंडीशन के जरिए इस एलसीआर सर्किट की इंपीडेंस मिनिमम बन जाएगी,
जब इंपीडेंस मिनिमम बन जाएगी इस एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम करंट पास हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन वो एक उस वक्त एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है उस वक्त, इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। उस कंडीशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। तो ये अप्लाइड ईएमएफ की ये फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रिक रेजोनेंस टेक प्लेस करेगा, और वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे इस इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी अप्लाइड ईएमएफ की, इस अप्लाइड ईएमएफ की वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी। उसको हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और व्हाट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट की वो अप्लाइड ईएमएफ की वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना, उस फ्रीक्वेंसी आपको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट। उसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा आर से, क्योंकि इसमें हम बड़ी सारे फ्रीक्वेंसीज अप्लाई करेंगे, उन फ्रीक्वेंसीज में एक फ्रीक्वेंसी है जिसका वैल्यू क्या किसके बराबर है, ओमेगा आर। जिस फ्रीक्वेंसी पे इस एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट। मैंने बोला था नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है, और यहां पर इलेक्ट्रिक रेजोनेंस में एलसीआर सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब होकर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, ठीक है ना। अगर आपको डिफाइन भी करना होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, आप कैसे बोलेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड ईएमएफ एट विच द करंट थ्रू एलसीआर सर्किट बिकम्स मैक्सिमम इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट। नाउ लेट अस डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। We will derive now the expression for this resonant frequency, very important expression. आपको पता है, we know that the instantaneous value of current flowing through the LCR circuit is given by I is equal to E by Z. हमें पता है जो LCR circuit होगा, series LCR circuit होगा, जो उस सीरीज एलसीआर सर्किट में instantaneous value of current होता है वो होता है I is equal to E by Z. While E is the applied alternating EMF, ठीक है ना, Z क्या है, Z is the impedance of LCR circuit. इस Z का जो value होता है, इस Z का value होता है under root of R square plus XL minus XC whole square. या इसका value ऐसे भी है, Z is equal to under root of R square plus omega L minus 1 by omega C whole square. ठीक है। नाउ ये करंट कब मैक्सिमम होगा, जब Z मिनिमम होगा। ये करंट कब मैक्सिमम होगा, जब Z क्या होगा, मिनिमम। इफ XL इज इक्वल टू XC, अगर XL किसके बराबर होगा, XC के बराबर, और ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C, अगर XL होगा बराबर XC को, ओमेगा L होगा बराबर ओमेगा 1 बाय ओमेगा C को, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त आपका Z जो है that will become under root of R square plus 0 square, क्योंकि XL minus XC is equal to 0 when XL is equal to XC, ठीक है। उस वक्त मेरा Z जो है, this Z will become equal to under root of R square, यानी उस वक्त मेरा Z जो है that will become R, यानी Z जो है उसका impedance को इस वक्त minimum value होगा, and that minimum value of impedance is equal to the resistance of the circuit, ठीक है ना। Now जब Z minimum है, आपका जो I है, this I will be minimum, Z जो है I will be maximum, जब Z मेरा जो है this, जब ये Z मेरा क्या होगा, शाबाश, जब Z मेरा क्या होगा, मिनिमम, तो उस वक्त जो मेरा है क्या, शाबाश, उस वक्त जो हमारा करंट जो LCR सर्किट में होगा वो होगा मैक्सिमम, ठीक है ना। नाउ Z इज इक्वल टू मिनिमम ऑनली व्हेन XL इज इक्वल टू XC और ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C, ठीक है ना। नाउ Z मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज R, when Z will become equal to R, at that time maximum current flows through the LCR circuit. That condition is called as electric
resonance. Now let us derive the expression for this resonant frequency. See, the value of this Z not only depends upon the circuit elements R, L and C. The value of this Z not only depends upon the circuit elements what R, L and C, but it depends upon the angular frequency omega. It depends upon the angular frequency omega, as because Z depends upon XL, Z depends upon XC. But we know that XL is equal to omega L and XC is equal to 1 by omega C. Iska matlab hai, jo mera impedance Z hai, ye khali R, L aur C pe depend nahi kar raha hai. Ye depend kar raha hai angular frequency pe. It depends upon the angular frequency of the applied EMF. As XL किसके बराबर है? Omega L. XC किसके बराबर है? Omega C. 1 by omega C. अगर हम इस XL और XC का graph draw करेंगे with frequency omega, वो graph आपने देखे हैं. पहले हम ये वाला graph यहाँ पर एक graph draw करेंगे. XL और omega के दरमियान graph draw करेंगे. क्योंकि XL जो है that is directly proportional to omega, मैं ऐसे लिखूँगा. XL is directly proportional to omega and XC जो है that is inversely proportional to omega. ठीक है, अगर मैं graph draw करूँगा, दोनों का graph draw करूँगा यहाँ पर. First I will draw a graph between XL and omega. यहाँ देखो, चूंकि XL जो है it is directly proportional to the omega, therefore the graph between XL and omega, this will be the straight line passing through the origin. ठीक है ना. Now XC is inversely proportional to omega. इसका मतलब है जब omega increase होगा, XC decrease होगा. जब omega decrease होगा, XC increase होगा. पहले omega बहुत कम होता है, XC का value बहुत ज़्यादा होता है. तो जो XC और omega के दरमियान graph होगा, XC और omega के दरमियान graph होगा, वो graph ऐसे होगा. ये सिखाया मैंने. पहले XC का value बहुत ज़्यादा है. लेकिन एक जब हम ओमेगा इंक्रीज करेंगे जो XC का वैल्यू है वो कम हो जाएगा. ठीक है. नाउ अगर मैं एक काम करूंगा, प्लीज दोनों बार जाओ, दिस इज नॉट दिस क्लास. ये दोनों ग्राफ जो है आई विल कंबाइन बोथ दीज ग्राफ्स. देखो, जब मैं दोनों ग्राफ्स को कंबाइन करूंगा, ये ओमेगा है. देखो, यहां से XL भी मैं मानूंगा और XC भी मैं मानूंगा. XL भी मानूंगा और XC भी मानूंगा. XL और ओमेगा के दरमियान ग्राफ जो होगा वो होगा ऐसे, ये वाला ग्राफ. XC और ओमेगा के दरमियान ग्राफ जो होगा वो ग्राफ है ऐसे. देखो, यहां से हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है. ये क्या है? यहां से मेरा XL भी है और XC भी है, XL भी और XC भी है. देखो, जब मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा, यानी ओमेगा इंक्रीज करूंगा, जो मेरा XL है वो इंक्रीज हो रहा है. लेकिन XC जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. इस फ्रीक्वेंसी का एक वैल्यू है ये. इस वैल्यू पे दोनों XL और XC आपस में बराबर है. ये देखो, ये पॉइंट इस ग्राफ पे भी आता है, ये पॉइंट इस ग्राफ पे भी आता है, दोनों ग्राफों पे. तो इस पॉइंट पे जो XL और XC का वैल्यू जो है वो आपस में बराबर है. ठीक है ना. इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. क्या कहते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. क्योंकि जब XL किसके बराबर होगा? XC के बराबर होता, उस वक्त इस LCR सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा. ठीक है ना. सो दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है ना. वो फ्रीक्वेंसी जिस वक्त जिस फ्रीक्वेंसी पे XL और XC का वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं क्या? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है ना. बिलो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा XL के XC है, ज्यादा XC है. ये देखो, ये किसका वैल्यू है? XC का. बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा कौन है?
एक्ससी एबो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा कौन है एक्सएल एबो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक्ससी डिक्रीजेस बट एक्सएल इंक्रीजेस यानी बिलो 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 दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द एलसीआर सर्किट इज कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट एंड एबो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिस एलसीआर सर्किट इज इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट ठीक है ना। नाउ आपने देखा कि जब हम ओमेगा इंक्रीज करेंगे एक्सएल इंक्रीज होगा और एक्ससी क्या होगा डिक्रीज। एक फ्रीक्वेंसी आएगी जिस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल किसके बराबर होगा ठीक है ना उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हम लिखेंगे एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। आपने देखा जब हम ओमेगा इंक्रीज करते हैं एक्सएल इंक्रीज हो रहा है जब हम ओमेगा इंक्रीज करते हैं एक्सएल इंक्रीज हो रहा है एक्ससी डिक्रीज हो रहा है। एक वक्त आएगा जब ये एक्ससी और एक्सएल आपस में बराबर बनेंगे उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो आपका एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर एक्सएल किसके बराबर है एक्ससी के बराबर मगर एक्सएल किसके बराबर है तो ये होगा ना इसे ओमेगा एल इज इक्वल टू वन बाई ओमेगा सी लेकिन इस वक्त में ओमेगा को नीचे आर रखूंगा क्योंकि जब ओमेगा है बराबर ओमेगा आर व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर ओनली देन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। तो मैं ऐसे लिखूंगा ओमेगा आर एल इज इक्वल टू वन बाई ओमेगा आर सी ओमेगा आर को यहां लाएंगे एल को नीचे लाएंगे ये बनेगा ओमेगा आर इंटू ओमेगा आर दिस इज ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई एल सी। निकालो भाई ओमेगा आर का वैल्यू ओमेगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन बाई एल सी क्योंकि स्क्वायर हटाया यहां पे रूट आया ठीक है ना। तो ओमेगा आर का वैल्यू आएगा देखो यहां ओमेगा आर का वैल्यू आएगा रूट वन हो गया रूट वन ही डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एल सी ओमेगा आर हो गया वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एल सी। ओमेगा का वैल्यू आपको पता है 2 पाई न्यू मगर ओमेगा आर का वैल्यू होगा 2 पाई न्यू आर क्योंकि ओमेगा का वैल्यू है 2 पाई न्यू अगर ओमेगा आर होगा उसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम तो ये बनेगा ऐसे 2 पाई न्यू आर इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी। न्यू आर निकालो न्यू आर किसके बराबर आएगा शाबाश न्यू आर आपका आएगा 1 बाई 2 पाई नीचे आएगा 2 पाई आएगा नीचे 1 by 2 pi under root of LC 1 by 2 pi under root of LC this is the expression for the resonant frequency this is the expression for what resonant frequency ठीक है ना। तो आपने देखा resonance कब होकर होता है जब XL होता है XC उस वक्त जो applied EMF की frequency होती है उस frequency को कहते हैं natural frequency या resonant frequency। तो यहां पर value देके substitute करके आपका ये answer आया VR is equal to 1 by 2 pi under root of L by C this was the expression for resonant frequency and this was the expression for angular resonant frequency। अब हम आगे जाएंगे बच्चों आगे जाके हम पढ़ेंगे characteristics of series resonant circuit characteristics of हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। पहला फर्स्ट वन आपको पता है एट रेजोनेंस एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। रेजोनेंस तब होती है जब एक्स एल किसके बराबर होता है एक्स सी के बराबर। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स एट रेजोनेंस XL is equal to XC। दूसरा at resonance जो impedance Z होता है
वो होता है मिनिमम। जब रेजोनेंस होता है, एट रेजोनेंस जो आपका इंपीडेंस जेड होता है वो होता है मिनिमम, एंड दिस इंपीडेंस जेड इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आर। रेजोनेंस पे एलसीआर सर्किट की जो इंपीडेंस होती है वो मिनिमम होती है, एंड दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ एलसीआर एंड दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ इंपीडेंस इज इक्वल टू आर रेजिस्टेंस। इस वक्त जो आपका एलसीआर सर्किट होगा वो बिहेव करता है एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इस वक्त जो हमारा एलसीआर सर्किट होगा, एलसीआर सर्किट जो इस वक्त होगा हमारा, दैट विल बिहेव एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। हमारा एलसीआर सर्किट जो है वो इस वक्त बिहेव कर रहा है एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। नंबर थर्ड, जब एट रेजोनेंस जब जेड मिनिमम होगा तो उस वक्त करंट थ्रो एलसीआर सर्किट मैक्सिमम होगा। करंट थ्रो एलसीआर सर्किट इज मैक्सिमम, करंट थ्रो एलसीआर सर्किट इज मैक्सिमम, करंट थ्रो एलसीआर सर्किट इज मैक्सिमम। क्योंकि रेजोनेंस पे एक्स एल किसके बराबर है, एक्स सी, लिहाजा जब रेजोनेंस होगा उस वक्त ई एंड आई जो होंगे वो होंगे इन फेज। क्योंकि जो हमारा सर्किट है रेजोनेंस जब होता है उस वक्त हमारा सर्किट जो होता है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है, लिहाजा ई एंड आई जो होंगे वो होंगे इन फेज। क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ई और आई जो होते हैं वो होते हैं इन फेज। इस वक्त जो हमारा इंडक्टर होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वो बनता है बराबर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। क्योंकि एक्स एल है बराबर एक्स सी, लिहाजा रेजोनेंस जब होगी, जिस वक्त रेजोनेंस होगी उस वक्त जो इंडक्टर और कैपेसिटर होगा उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टेज होगा, वो होगा सेम। क्योंकि एल एल सी और एल वी सी और वी सी और वी एल के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो है 180 डिग्री। कब आपने फेज डायग्राम के जरिए पढ़ा, एक तो है जब जब इनके दरमियान फेज डिफरेंस 180 होगा, इसका मतलब होगा जो VL और VC होंगे ये अपोजिट होंगे। नाउ व्हेन देयर मैग्नीट्यूड इज सेम, ठीक है ना, अब ये क्या करेंगे, दे विल बैलेंस ईच अदर। यहां देखो, एट रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। सिंस दीज वोल्टेजेस आर अपोजिट टू ईच अदर, दे हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ व्हाट, they have a phase difference of pi, therefore their resultant will be zero, their resultant was VL minus VC. Now when VL is equal to VC, VL minus VC will be zero. छठा, ये जो series resonant circuit होता है, series resonant circuit जो होता है इसको हम कहते हैं acceptor circuit, acceptor circuit, series resonant circuit is also called acceptor circuit. Series resonant circuit is called acceptor circuit. इसको acceptor circuit क्यों कहते हैं? जब हम इस circuit को बहुत सारी frequencies apply करेंगे, when we apply number of frequencies to an LCR circuit, ठीक है ना? ये क्या काम करता है? Series LCR circuit or series resonant circuit, जब हम series resonant circuit को बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज अप्लाई करेंगे, ये तमाम फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करता है, ये खाली एक ही फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पे एक्स एल किसके बराबर होगा, एक्स सी के बराबर, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या सर्किट, एक्सेप्टर सर्किट। इट इज बिकॉज ऑफ दिस, दिस सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज यूज्ड इन टेलीविजन एंड रेडियो सेट्स, टेलीविजन्स एंड रेडियो सेट्स। सीरीज रेजोनेंट सर्किट जो है इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर सर्किट। क्योंकि जब हम इसको बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज अप्लाई करेंगे, ये सारी फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करता है, लेकिन एक ही फ्रीक्वेंसी को ये क्या करता है, एक ही फ्रीक्वेंसी को ये एक्सेप्ट करता है। उस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल जो होता है वो होता है बराबर एक्ससी, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फॉर दिस रीजन दिस सीरीज रेजोनेंट सर्किट इट इज यूज्ड इन रेडियो सेट्स एंड टीवी सेट्स। आपका घर पे टीवी है, टीवी पे एंटीना लगा है, टीवी पे एंटीना लगा है, अभी आपको स्टेशंस नहीं आ रहे हैं,
बाहर से स्पेस में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है। इस टीवी सेट में सीरीज रेजोनेंट सर्किट लगा हुआ है, वो सीरीज रेजोनेंट सर्किट जो है वो तमाम फ्रीक्वेंसी जो स्पेस में है उनको वापस करेगा, वो उसी फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा जो फ्रीक्वेंसी आपको जरूरत होगी, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट, रेजोनेंस, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। हम लोग को पता है एट रेजोनेंस जो एलसीआर सर्किट होता है इसकी इंपीडेंस जो होती है वो मिनिमम होती है, और उस वक्त हमारे एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम करंट पास हो रहा है। दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट्स कॉल्ड एज पीक वैल्यू ऑफ करंट और दैट्स कॉल्ड एज करंट एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, वी नो दैट एट रेजोनेंस द इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट इज मिनिमम and current through LCR circuit is maximum. The maximum value of LCR, the maximum value of this current, that's called as current amplitude. And we know that this current amplitude is given by I naught is equal to E naught divided by R. I naught is equal to E naught divided by R. It means that this current amplitude, it depends upon the ohmic resistance R. If the ohmic resistance R will be small, the value of this current amplitude will be more. If the value of this ohmic resistance will be large, the value of this current amplitude will be small. If we plot a graph between this current amplitude and angular frequency omega, this is current amplitude, we will draw a graph between angular frequency omega and this current amplitude I naught. That graph will be like this. The graph will be like this. Because there is a certain value of this angular frequency. That frequency is called resonant frequency at which this current amplitude have maximum value. ठीक है ना? तो यहां पर जो इस करंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू जो होता है दैट इज मैक्सिमम, दिस इज आई नॉट मैक्सिमम। इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन दिस करंट एम्पलीट्यूड एंड दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है ना, बिकॉज देयर विल बी अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एट विच दिस करंट एम्पलीट्यूड विल हैव अ मैक्सिमम वैल्यू, है ना, विल हैव अ मैक्सिमम वैल्यू। बियॉन्ड दिस ऑन द इधर साइड और दिस साइड और दिस साइड द वैल्यू ऑफ दिस करंट एम्पलीट्यूड इज स्मॉलर, एंड बियॉन्ड दिस साइड ऑलवेज देयर मे बी टू फ्रीक्वेंसीज से दिस फ्रीक्वेंसी एंड दिस फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट एम्पलीट्यूड विल हैव द सेम वैल्यू। यहां पर देखो, यहां पर यह फ्रीक्वेंसी, यहां पर यह फ्रीक्वेंसी, इन दो फ्रीक्वेंसी के दरमियान, इन दो फ्रीक्वेंसी पे करंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू जो होता है वो सेम होता है। देयर इज ओनली वन फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट एम्पलीट्यूड हैज ओनली वन वैल्यू, एंड दैट वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एम्पलीट्यूड, एंड दैट वैल्यू ओकर्स ओनली एट एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट फ्रीक्वेंसी, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। Now, if this R is increased, what happens? The value of I naught, though there will be the peak, but the value of I maximum will be smaller and smaller. यहाँ पर हम plot करेंगे. Suppose I have plotted this for resistor R1. I will again plot this. I have plotted this for resistance R2. Then I will plot this for resistance R3. See here, जब मैंने R को इंक्रीज किया, यहां पर देखो
ये आई मैक्सिमम है, आई नॉट मैक्सिमम है, यहां पर देखो ये आई नॉट मैक्सिमम है, ये पीक है आई नॉट मैक्सिमम, ये पीक है, ठीक है ना। यहां पर क्या है कि जब आर का वैल्यू स्मॉल है, जब आर का वैल्यू स्मॉल होगा तो आपकी जो करंट होगी आई मैक्सिमम होगा, उसका आई आई नॉट मैक्सिमम का वैल्यू जो होगा वो ज्यादा होगा, तो उस वक्त जो आपकी पीक होगी, पीक दैट पीक विल बी शार्पर, दैट पीक विल बी शार्पर, शार्प पीक है, ठीक है ना। और इन द अदर वर्ड्स वी से रेजोनेंस विल बी शार्पर एट द लार्ज वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस। जो हमारी पीक थी, ये पीक जो है इट बिकम्स फ्लैट, इट बिकम्स फ्लैट यानी लेस शार्पर। इट शोज दैट शार्पनेस ऑफ रेजिस्टेंस, शार्पनेस ऑफ करंट, शार्पनेस ओकर्स एट लो वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस, शार्पनेस ओकर्स एट लो वैल्यूज ऑफ व्हाट, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। जब रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तो उस वक्त हमारी शार्पनेस ज्यादा होगी, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस वक्त शार्पनेस कम होगी। क्योंकि आपने देखा यहां पर जो मैं ऐसे लिखूंगा, आर थ्री इज ग्रेटर देन आर टू इज ग्रेटर देन आर वन, जब रेजिस्टेंस आर वन है यानी लो है उस वक्त पीक जो है वो बहुत ज्यादा है और हमारी पीक जो है वो शार्पर है, शार्पर पीक मींस रेजोनेंस इज शार्प, ठीक है ना। नाउ आगे जाएंगे हम, एक फैक्टर है उसको हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर। ये क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर जो है ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजर करती है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ए फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज क्यू क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर। एक वो फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर करेगी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, कितना आपकी पीक कितनी शार्प है, उसको हम कहते हैं क्यू फैक्टर, इट मेजर्स द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। देखो क्यू फैक्टर को हम डिफाइन करेंगे, हम फिर करंट को एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करेंगे, लेट अस प्लॉट द करंट अगेन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हेन वी प्लॉट द करंट अगेन विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस। यहां पर इस फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक वैल्यू होता है जिस वैल्यू को हम डिनोट करते हैं ओमेगा आर से, उस वैल्यू पे हमारा जो करंट एम्पलीट्यूड होता है, हमारी जो करंट एलसीआर सर्किट पे होती है वो करंट मैक्सिमम होती है, यानी यहां पर जो हमारा करंट है वो है मैक्सिमम एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस दैट मींस एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर जो करंट थ्रो एलसीआर सर्किट होता है वो मैक्सिमम होता है, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट दैट इज डिनोटेड बाय आई नॉट। जब यहां करंट मैक्सिमम होगा तो यहां पर हमारा पावर भी मैक्सिमम होगा, जब यहां करंट मैक्सिमम है यहां पर हमारा पावर भी मैक्सिमम होता है। पावर आपको पता है पावर होता है आई नॉट स्क्वायर आर, ठीक है, पावर किसके बराबर होगा यहां पर आई नॉट, आई स्क्वायर आर है तो यहां पर किसके बराबर होगा आई नॉट स्क्वायर आर, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है, तो हमारा पावर जो होता है वो पावर भी मैक्सिमम होता है। अब देखो यहां पर मैं दो फ्रीक्वेंसीज और लूंगा, ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सपोज इस फ्रीक्वेंसी को मैं नाम रखूंगा ओमेगा वन, इस फ्रीक्वेंसी को मैं नाम रखूंगा ओमेगा टू। इन दो फ्रीक्वेंसीज पे जो करंट का वैल्यू होगा वो सेम है, वो सेम है, ठीक है। इन दो फ्रीक्वेंसीज पे करंट का जो वैल्यू है वो सेम है, वो सेम सेम है ना। ये देखो ये करंट एक्सिस है, करंट का वैल्यू सेम है। हम देखेंगे कि इन दो फ्रीक्वेंसीज पे करंट का वैल्यू कितना है। सपोज इन दो फ्रीक्वेंसीज पे जो हमारा पावर है दैट इज हाफ द मैक्सिमम पावर,
इन दो फ्रीक्वेंसीज पे जो हमारा पावर है, सपोज दैट इज हाफ द मैक्सिमम पावर, हाफ द मैक्सिमम पावर, ठीक है। हाफ द मैक्सिमम पावर मतलब हो गया वो होगा 1/2 I0 square R, क्योंकि पावर जो है वो है I0 square R, ठीक है। तो हाफ द मैक्सिमम पावर होगा 1/2 I0 square R, ठीक है ना। नाउ सपोज यहां पर जो हमारा करंट का वैल्यू है, फर्ज करो दैट वैल्यू ऑफ करंट इज I डैश, तो यहां पर जो आपका पावर होगा वो होगा ना I डैश स्क्वायर इनटू R। ओ भाई सपोज यहां पर जो करंट का वैल्यू है वो कितना है I डैश, यहां पर जो पावर है वो है हाफ द मैक्सिमम पावर, हाफ द मैक्सिमम पावर, हाफ द मैक्सिमम पावर, हाफ द मैक्सिमम पावर हो गया 1/2 I0 square R, क्योंकि I नॉट स्क्वायर आर जो है वो मैक्सिमम पावर है, ठीक है। तो यहां पर R और R कैंसिल हो गया, I डैश इज इक्वल टू I डैश स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है I डैश निकालेंगे वो होगा अंडर रूट ऑफ I नॉट स्क्वायर बाय 2, यानी इसका मतलब जो होगा, इसका मतलब है I डैश होगा 1/√2 टाइम्स I नॉट, क्योंकि I नॉट बाहर आएगा, I नॉट बाहर आएगा ब्रैकेट से, I नॉट बाहर आएगा, रूट से बाहर आएगा ना, तो ये है ना I नॉट स्क्वायर, ये तो बाहर आएगा नीचे रहेगा रूट, रूट में ही, तो ये बनेगा I नॉट बाय रूट टू। यानी जब इन दो फ्रीक्वेंसीज पे हमारा पावर जो है दैट इज हाफ द मैक्सिमम पावर, ठीक है ना, तो इन दो फ्रीक्वेंसीज पे जो करंट इस वक्त होगा दैट करंट विल बी इक्वल टू I नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू, और दैट करंट विल बी इक्वल टू 1/√2 टाइम्स द करंट एट द रेजोनेंस। इन दो फ्रीक्वेंसीज पे, क्योंकि मैंने कहा कि सपोज इन दो फ्रीक्वेंसीज पे जो पावर होगा दैट इज हाफ द मैक्सिमम पावर, तो इन दो फ्रीक्वेंसीज पे जो ये करंट I डैश मुझे निकला वो निकला 1/√2 टाइम्स I नॉट। व्हाट इज I नॉट? I नॉट इज द करंट, I नॉट इज द करंट एट द रेजोनेंस। सो एट दीज टू फ्रीक्वेंसीज द करंट बिकम्स इक्वल टू 1/√2 टाइम्स द करंट वैल्यू ऑफ करंट एट द At the resonance, यहां देखो, this is 1/√2 times I naught. What is I naught? Current at resonance. तो इसका मतलब है इन दो frequencies पे जो ये current है, ये fall हुई and become equal to 1/√2 times I naught. What is I naught? I naught is current at the resonance. यहां पर हम Q value को ऐसे define करते हैं. Q value is equal to ratio of resonant frequency, that means omega r, ratio of resonant frequency omega r to the difference of frequencies, to the difference of frequencies occurring on the either side of omega r, occurring on the either side of omega r. What is omega r? Resonant frequency, occurring on the either side of resonant frequency at which the current, at which the current falls to 1/√2 times its value at resonance, its value at resonance. ये देखो, Q factor को हम define करते हैं, ratio of resonant frequency omega r to the difference of frequencies occurring on the either side, yahan dekho, occurring on the either side of resonant frequency at which the current falls to 1/√2 times its value at the resonance, yani jo aapka Q value hoga wo hoga omega r डिवाइडेड बाय, जरा वो दो फ्रीक्वेंसीज कौन कौन है, तो उनकी डिफरेंस होगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। देखो ओमेगा 1 से ओमेगा आर तक जो डिस्टेंस है इसको हम रखेंगे नाम डेल्टा ओमेगा, इसको रखेंगे नाम हम डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा इसको नाम रखेंगे हम डेल्टा ओमेगा, ये है डेल्टा ओमेगा, इसका मतलब ये भी होगा डेल्टा ओमेगा, ये भी होगा डेल्टा ओमेगा, शाबाश। जब हम ओमेगा 1 को डेल्टा ओमेगा ऐड करेंगे हमें निकलेगा ओमेगा आर, निकलेगा ना बच्चा ओमेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा, हमें क्या निकलेगा, हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम फिगर ओमेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा
इज इक्वल टू ओमेगा आर। निकालो ओमेगा वन, ओमेगा वन हो गया बराबर ओमेगा आर, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा टू निकालो, ओमेगा टू सीधे हो गया ओमेगा आर, यहां से यहां तक ओमेगा आर है, यहां से ये ओरिजिन है, यहां से यहां तक ओमेगा आर है और यहां से यहां तक डेल्टा ओमेगा है। इसका मतलब है जो ओमेगा टू होगा वो होगा ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, दिस इज ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। अब हमें ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन जरूरत है, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन जरूरत है, सब्ट्रैक्ट करो, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन होता है बराबर ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा आर कैंसल, तो आपका ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन जो है वो निकला आपको वन प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, दैट इज ट्वाइस डेल्टा ओमेगा। तो ये जो है ना ये विड्थ ये निकला आपको कितना, ये निकला आपको ट्वाइस शबर, ये निकला आपको ट्वाइस डेल्टा ओमेगा। इसको हम कहते हैं बैंड विड्थ। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज बैंड विड्थ। बैंड विड्थ होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो इसको हम क्या कहते हैं बैंड विड्थ। तो क्या निकला हमें टू डेल्टा ओमेगा। तो क्यू फैक्टर में दे दो, क्यू फैक्टर हो गया फिर ओमेगा आर डिवाइडेड बाई ट्वाइस डेल्टा ओमेगा। व्हाट इज ट्वाइस डेल्टा ओमेगा, दिस इज कॉल्ड एज बैंड विड्थ। यहां देखो जितना ये बैंड विड्थ कम होगा, कम होगा, यहां देखो जितना बैंड विड्थ कम होगा उतना पीक शार्पर होगी, उतना पीक ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ठीक है ना। जितना बैंड विड्थ कम होगा उतना जो हमारी पीक होगी वो होगी शार्पर, उतना रेजोनेंस जो होगा वो होगा शार्पर। इन दिस वे दिस क्यू वैल्यू इट मेजर्स द रेजोनेंस, इट मेजर्स द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। स्मॉलर द बैंड विड्थ, स्मॉलर द बैंड विड्थ, शार्पर विल बी द पीक एंड हेंस शार्पर विल बी द रेजोनेंस। स्मॉलर द बैंड विड्थ, लार्जर विल बी द क्यू फैक्टर, सो व्हेन क्यू फैक्टर विल बी लार्जर द रेजोनेंस विल बी शार्पर, व्हेन क्यू फैक्टर विल बी स्मॉलर द रेजोनेंस कांट बी शार्पर, ठीक है ना। सो शार्पर रेजोनेंस ओकर्स ओनली व्हेन द बैंड विड्थ इज वेरी वेरी स्मॉल।